सो गाइस अभी हमारे पास एक फोन आया हुआ है मूवी स्टार C2 का, और ये मूवी स्टार C2 का फोन है और इसके अंदर अभी लगा है FRP लॉक। जैसा कि आप ऊपर कोने पे देख सकते हैं, यहाँ पे FRP लॉक का सिंबल दिख रहा होगा। तो इस फोन को कस्टमर ने हार्ड रिसेट करके पासवर्ड तो हटा दिया, बट FRP हटाने के लिए हमारे दुकान पे आया हुआ है। तो इसको हम FRP हटाएंगे UMD की मदद से, चूंकि इसमें MediaTek का CPU लगाया तो हम अपना MTK टूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फोन को आपको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ बिना वाईफाई के कनेक्ट किए नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मतलब कि आपको नेट के बिना अगर वाईफाई अगर आप ऑन नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा, तो मतलब इसमें FRP लॉक है ही है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है मूवी स्टार C2 जो कि पीछे इसके लिखा हुआ था, और मूवी स्टार C2 में लगा होता है MediaTek का CPU। यहाँ पे देखिए आपको मॉडल दिखा रहा हूँ, ये देखिए मूवी स्टार C2 दिख रहा है। तो कैसे इसको अनलॉक करना है पूरा प्रोसेस हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा आप लोग और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आप चाहो तो इसका हाथ से भी FRP बाईपास कर सकते हो, आने वाले टाइम में उसकी भी वीडियो हम जरूर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहे हैं। अगर नेक्स्ट करके हमने अपना जो MediaTek का लेटेस्ट वाला वर्जन उसको इंस्टॉल कर लिया है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से आप इसको FRP बाईपास कर पाओगे, चूँकि इसमें इसका हार्ड रिसेट पहले से हो चुका है, यानी कि इसको फॉर्मेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा तो हमारा ज़्यादा देर तक हमको वेट भी नहीं करना पड़ेगा फ़ोन को खुलने में, क्योंकि जब भी हम फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं तब हमको बहुत देर तक फ़ोन के खुलने का वेट करना पड़ता है। बट FRP हम अनलॉक करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा प्रोसेस भी कम्प्लीट होगा और फ़ोन भी ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने इस फ़ोन को कर लेते हैं पावर ऑफ, क्योंकि फ़ोन को पावर ऑफ किए बिना ये काम होने वाला है नहीं। तो फ़ोन जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अपने कंप्यूटर में आपको MediaTek का USB ड्राइवर रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप इसको अनलॉक कर पाओगे। आपको UMD सेटअप नहीं पता है तो आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं मेरे, या फिर YouTube पे भी सर्च करके देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, हमने भी बनाई है, जिसमें आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस हमने सिखाई है कैसे UMD यूज करना है। तो अभी आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के केबल लगा देना है तो आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमने टूल में रीड इन्फॉर्मेशन पे चेक मार्क का सही का चिन्ह लगाया और FRP पे लगाया, बीच में रीसेट और फॉर्मेट पे नहीं लगाया है, क्योंकि हमें फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ FRP इसका बाईपास करना है। तो जैसे ही हमने वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के फ़ोन स्विच ऑफ है, और इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के जैसे ही केबल हमने लगाया यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट हो गया, बट यहाँ पे देखिए तो कुछ एरर आ रहा है एग्जीक्यूट करने के बाद से। तो एरर आ रहा है तो कोई दिक्कत की घबराने की ज़रूरत नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है अच्छे से कनेक्शन नहीं बनने की वजह से। तो आपको फिर से फ़ोन को चालू कर लेना है एक बार स्विच ऑफ करके, और उसके बाद से फ़ोन ऑन करके फिर ऑफ करना है, और फिर से दोबारा कोशिश करना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे आसान तरीका होगा कि हम बैटरी कनेक्टर एक बार निकाल के लगा देंगे, जिससे हमारा प्रोसेस ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब फ़ोन स्विच ऑफ खोलेंगे फिर खुलेगा फिर ऑफ करेंगे तो इसमें लंबा प्रोसेस हो जाता है। ऐसे में हमने इसको स्विच ऑफ करके फिर से चालू कर लिया है, बंद कर लिया है, सॉरी मतलब स्विच ऑफ कर लिया है फ़ोन को। और यहाँ पे अब फिर से दोबारा हम कोशिश करेंगे, इस बार हम अपने हाथ से बटन दबा रहे हैं और एक बंदा है हमारे बाजू में, उनको हम बोल दिए कि इसका केबल लगाओ। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि कनेक्टिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको एग्जीक्यूट पे पहले क्लिक कर देना है दोबारा, और जैसे ही यहाँ पे देखिए बोल रहा है वेटिंग फॉर चूज योर VROM मोड, तो VROM मोड के लिए वेटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के और केबल जैसे ही हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो वैसे ही हमारा जो यहाँ पे पोर्ट है वो यहाँ पे बन कर तैयार हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा पोर्ट बन चुका है, और यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी देर वेट करना है। एक्चुअली हमारा पोर्ट अभी नहीं बना, सॉरी, कई बार ऐसा दिक्कत आ जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पोर्ट नहीं बनने से कोई इसमें वो नहीं है कि पोर्ट नहीं बन रहा है तो दिक्कत है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इस बार पोर्ट बन गया, इस बार पोर्ट बन गया, और देखिए हम यहाँ पे कोई भी हमारा एरर वगैरह नहीं आया है। तो दो तीन बार आप ट्राई करिए, ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी प्रॉब्लम आती है, एक बार में पोर्ट नहीं बनता है। एक्चुअली मैं वॉइस ओवर अलग से कर रहा हूँ तो थोड़ी सी हमारी वॉइस की डिफरेंस हो सकती है, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे देखिए तो FRP रीसेट का सक्सेसफुली यहाँ पे मैसेज आ चुका है, यानी कि यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में FRP रीसेट नीचे में ध्यान से देखिए सक्सेसफुली दिखा दिया है। अब आपको फ़ोन को चालू कर लेना है। क्वालकॉम CPU वाले फ़ोन तो ऑटोमेटिक चालू होते हैं, अनलॉकिंग हार्डवेयर का जो भी मतलब सॉफ्टवेयर का जो भी काम होता है उसमें उसको करने में ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं, बट MediaTek को खुद से चालू करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मूवी स्टार का लोगो आ चुका है और फ़ोन हमारा खुल रहा है। यहाँ पे ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने सिर्फ FRP बाईपास किया है। तो आप लोग थोड़ी देर वेट करिए, ये प्रोसेस आप जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करिए, आपका भी फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। हाँ, कई बार क्या होता है मोबाइल का जो चार्जिंग पिन होता है उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, फिर किसी बंदे ने चेंज कर दिया है जिसके वजह से उसका साइड का सिर्फ चार्जिंग पिन जोड़ा है, बीच के डाटा वाले पिन को नहीं जोड़ा है, तो आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे में आपको खोल के उसका चार्जिंग पिन सही से आपको लगा देना है, और उसके बाद अनलॉकिंग का प्रोसेस करना है ज़रूर होगा, या फिर आपके कंप्यूटर में इसका ड्राइवर नहीं होगा। बस दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, MediaTek एक ड्राइवर चाहिए और फ़ोन का पोर्ट सही होना चाहिए, आपका फ़ोन 100% अनलॉक होगा। अभी आप देखेंगे तो इसका जब हम सेटअप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए FRP के पास, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, पहले नहीं आ रहा था।
जब हमारा जब तक हम कनेक्ट नहीं करें अपने वाईफाई से तब तक ऑप्शन नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे देखिए बिना कनेक्ट किए नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। और यहाँ पे आप सिंपल सा जब नया फ़ोन आप लेके आते हैं वैसा सेटिंग करते हैं, वैसे ही आपको नेक्स्ट स्किप करके सारे सेटिंग्स को कर लेना है और यहाँ पे आपको फ़ोन को चालू कर लेना है। एंड आप देख सकते हैं अब हमारा जो FRP है वो बाईपास हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और इसी प्रकार की वीडियोस को अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो हमेशा मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो को आप लोग बहुत लोग देखते हैं ये तो मुझे अच्छा लगता है, बट चैनल सब्सक्राइब बहुत कम ही लोग करते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देखिए आप हमारा जो फ़ोन है ये बिल्कुल चालू हो चुका है, यहाँ पे कोई भी अभी FRP वगैरह नहीं लगा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।